नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के विषय में। सिज़ोफ्रेनिया जो कि एक आजकल के वक्त होने वाला डिप्रेशन के साथ साथ सिज़ोफ्रेनिया एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर बनता जा रहा है और बहुत कॉमन डिसऑर्डर बनता जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के विषय में। सिज़ोफ्रेनिया में अक्सर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं कि जिनका जो रियलिटी से वो उससे दूर हो जाते हैं। मतलब ये बड़ी डेलिकेट सी बात है जो आपको बता रहे, रियल और अनरियल का जो डिफरेंस होता है उसको डिफरेंशिएट न कर पाना एक सिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन होती है, कि आप रियल और अनरियल को ना डिफरेंशिएट कर पाएँ और एक अलग संसार में पहुंच जाए। तो आप सोसाइटी से अलग हो जाए, आप किसी से बात ना करें, उनकी बात आपकी समझ में आए ना आए, और जाहिर सी बात जब आपकी बात गलत है तो आप उनको समझा ना पाए, तो वह जो कंडीशन होती है वही सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। जब आप एक आप दूसरे से रिलेट ना कर पाएँ अपने को, उससे एक संबंध स्थापित ना कर पाएँ, क्योंकि आपका और उनका एक पैरानॉइड अलग हो गया है, वही स्थिति सिज़ोफ्रेनिया होती है। लेकिन समस्या है तो उसका इलाज है। आज हम आपको बताएंगे सिज़ोफ्रेनिया को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सिज़ोफ्रेनिया होता क्या है। सिज़ोफ्रेनिया साथियों एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति है, जो रियलिटी को परसेप्शन की शक्ति है, वह अल्टर हो जाती है और आप रियल और अनरियल में, वास्तविक और अवास्तविक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वह जो कंडीशन होती है वह ही सिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन होती है और वह आपको परेशान करती है। सबसे कॉमन सिज़ोफ्रेनिया जो साथी होता है वो होता है पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि आपको हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। अभी हम इस बारे में बात करेंगे सिम्टम्स में, लेकिन यह आपको होने लगते हैं और आप एक वास्तविक दुनिया से रिलेशन यानी संबंध स्थापित करने में असफल रहते हैं। सिज़ोफ्रेनिया के साथियों 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जो आपको समझ लेने चाहिए, क्योंकि शुरुआती साइन होते हैं। पहला होता है डिप्रेशन। मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन सिज़ोफ्रेनिया नहीं है, तो डिप्रेशन पहला इसका एक साइन होता है जो कि सिज़ोफ्रेनिया में होता है। दूसरा होता है सस्पिशियसनेस, मतलब बहुत शक्की नेचर का होना। और तीसरा होता है जो अपनी पर्सनल हाइजीन होती है, सफाई सुथराई होती है, नहाना धोना होता है, वो ना करना। तो अगर यह 3 साइन है तो यह अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं सिज़ोफ्रेनिया के। अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे। साथियों सिज़ोफ्रेनिया के 4 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम होता है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स का मतलब जो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो जो विचार बनाता है वो अनरियलिस्टिक होता है, लेकिन उसको लगता है यही सही है, वो अपने विचार पे कायम रहता है, वो अपने आइडिया और विचार से अलग नहीं होता, तो यह हो गया डिल्यूजन। दूसरा होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में होता क्या है, मरीज़ को लगता है कि कोई उसके पास है, जबकि वास्तव में कोई नहीं होता, कोई उसके पीछे है, कोई उसे मार देगा, कोई उसका गला दबा देगा, जबकि वास्तव में ऐसा उसके साथ नहीं होता है, तो यह होता है हेलुसिनेशन। तीसरा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब कि वो क्या करता है, एक टॉपिक पे बात हो रही है लेकिन वो उससे तुरंत जंप करके किसी अन टॉपिक पे आ जाता है जो कि उस बातचीत के बीच का रेलिवेंट बात नहीं है, तो यह जो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है कि कुछ भी बोल दिए, यह सिज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम है। और चौथा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उसका जो बर्ताव होता है वह भी अनिश्चित होता है, बात रोने की है हंसने लगा, बात किसी से कर रहा है जवाब किसी को दे रहा है, तो यह जो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है यह भी सिज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम। फिर साथियों आ जाते हैं इसके कॉजेस पर। इसके कारण आज तक अननोन है, लेकिन माना जाता है कि या तो वो जेनेटिक होता है, जबकि 60% परिवारों में यह जेनेटिकली नहीं चलता है, लेकिन जो 40% परिवार होते हैं उसमें जेनेटिकली सिज़ोफ्रेनिया पास होता है। और दूसरा कारण इसका होता है एनवायरमेंटल। यह 2 इसके कॉज माने गए हैं, लेकिन इसका कॉज आज तक अननोन है। अब हम साथियों आपको बताएंगे सिज़ोफ्रेनिया को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों हर वीडियो की भांति मैं आपसे कहना चाहूँगा, यह आपकी जानकारी के लिए है, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना न लें। चलते हैं बताते हैं आपको
साइजोफ्रीनिया से छुट्टी पाने की, साइजोफ्रीनिया को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो साथियों साइजोफ्रीनिया को ठीक करने की है, वह है सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम की दवा, और वो है सस्पिशियसनेस। साइजोफ्रीनिया का पेशेंट बहुत ही सस्पिशियस यानी शक्की होता है, तो उसको ठीक करने की, उस शक की भावना को, शक की आदत को दूर करने की बहुत कारगर दवा है लैकेसिस म्यूटा। आप लैकेसिस 1 mg/hr की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको बहुत शक महसूस होता हो, या मरीज को बड़ा शक्की मिजाज का मरीज हो, उसको एहसास होता हो कि वो बहुत एक अदृश्य ताकत उसको उस पर हाथ रखे है। हालांकि हम सब पे भगवान का ऊपर वाले का हाथ होता है, लेकिन उसको बड़ा स्ट्रांगली रखता है कि कोई जो है एक बड़ा ही कोई उस पर स्पिरिट्स जो हैं बड़ा उस पर हाथ रखे हैं, और वो जो है अपने में उस कॉम्प्लेक्स से हर किसी पे शक करता है। उस स्थिति को दूर करने की और साइजोफ्रीनिया को ठीक करने की, उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा लैकेसिस है। फिर एक कंडीशन आती है साथियों साइजोफ्रीनिया में कि जो साइजोफ्रीनिया का मरीज है वो चिड़चिड़ा है, लड़ने झगड़ने वाला है, राह चलते लोगों को पकड़ रहा है, उनमें कमी लगा के उनसे ही लड़ने लगा, और शक्की मिजाज का है। तो अगर यहाँ सारे सिम्टम लड़ने झगड़ने वाले पाए जा रहे हैं आपके मरीज में, तो इस कैफियत को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा नक्स वोमिका है। आप नक्स वोमिका 30 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि आपका मरीज लड़ना झगड़ना बंद कर देगा, क्वेरलसम होना खत्म हो जाएगा, और थोड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से समाज में स्ट्रेंजर्स के साथ भी रहने लगेगा। फिर एक कंडीशन आती है जो साइजोफ्रीनिया के पेशेंट को होता है कि उसको आवाज़ें सुनाई देती है जो वास्तव में नहीं है। इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कि जब उसको आवाज़ें सुनाई पड़े जो कि वास्तव में ना हो, और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। एनाकार्डियम ओरिएंटेल को 200 mg/hr की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में दे सकते हैं जब आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही हो, सुनाई पड़ रही हो, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, औरों को नहीं सुनाई पड़ रही हैं। उस सिम्टम को ठीक करने की और उस सिम्टम के साथ आपको ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा एनाकार्डियम है। एक बहुत कॉमन सिम्टम आता है साथियों साइजोफ्रीनिया में कि मरीज बहुत रेस्टलेस रहता है, वो चहलकदमी करता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, और बहुत एंजाइटी रहती है। तो अगर बेचैनी और चहलकदमी का सिम्टम, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस का सिम्टम आपके पेशेंट में है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि मरीज का रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और एंग्विश खत्म हो गए, और वो अपने को राहत महसूस करने लगा, शांत हो गया। आर्सेनिक एल्बम उस कैफियत की सबसे अच्छी दवा है। फिर एक कंडीशन आती है साथियों साइजोफ्रीनिया में जब मरीज को लगता है कि उसको जहर दे दिया जाएगा, उसको पॉइजन दे दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में मरीज को ठीक करने की, उस इस भावना को ठीक करने की और मरीज के साइजोफ्रीनिया मर्ज को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में हायोसाइमस नाइगर है। हायोसाइमस नाइगर 30 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में दे सकते हैं जब मरीज को अपने को जहर खिलाने का शक हो, उसने खाना और पीना दोनों घर में छोड़ दिया हो, और जो उसका हाव भाव है हंसी, अब जैसे अचानक हंसती है बहुत तेज़ बिना बात के, उस तरह के सिम्टम हो, और उसमें लेसिवियस मीनिया हो यानी कि उसको कपड़े उतारने का भी शौक बहुत ज़्यादा हो। फिर एक भावना आती है साइजोफ्रीनिया के पेशेंट में कि वो अपने को ही सबसे ऊपर समझता है, अपनी फैमिली के प्रति इनडिफरेंट हो जाता है, घर वालों से बात न करना, घर वालों से दूर रहना, घर वालों को किसी चर्चा में नहीं शामिल करना, उनसे कोई राय नहीं लेना। तो अगर यह सिम्टम है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ऐसे मरीज को दे सकते हैं, आप देखेंगे कि परिवार के लिए जो उसका इनडिफरेंट बिहेवियर है वह ख़त्म हो गया, और मरीज अपने को अच्छा महसूस करने लगा, और परिवार भी उसके लिए ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगा। फिर एक भावना आती है साइजोफ्रीनिया के पेशेंट में
कि उसे लगता है हर समय उसी के बारे में बात हो रही है, वो घर में चिड़चिड़ापन रहता है उसको, वो परेशान रहता है कि जो कोई भी बात कर रहा है वो हमारे बारे में बात कर रहा है, तो उससे बहुत इरिटेट रहता है, उद्वेलित रहता है। तो अगर वह कंडीशन हो तो उस मरीज़ की उस भावना को ख़त्म करने की और सिज़ोफ्रेनिया को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा ब्राइटा कार्बोनिकम है। आप ब्राइटा कार 30 दो दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि उसका यह जो एक शक है कि साहब हमारे बारे में सारी बात हो रही, जो कोई कर रहा है हमारे बारे में बात कर रहा है अच्छी या बुरी, तो वह सिम्टम उसका ठीक हो जाएगा और उसका सिज़ोफ्रेनिया भी ठीक होने लगेगा। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि जो हमने सिम्टम में भी जिक्र करा था, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सिज़ोफ्रेनिया का, कि कुछ भी बोल दिए, डिसऑर्गेनाइज स्पीच। तो यह जो कंडीशन है जिसमें कि आप कुछ भी बोल दिए वाली कंडीशन है, इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैनबिस इंडिका। आप कैनबिस इंडिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में दे सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है साथियों सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में कि उसे एक एहसास होता है उससे सुपीरियर कोई नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमसे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं साहब। अगर यह सिम्टम सिज़ोफ्रेनिया के मरीज में आ रहा है या किसी में भी आ रहा है तो सिम्टम को और सिज़ोफ्रेनिया को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लैटिनम मेटालिकम। आप प्लैटिनम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे दें, आप देखेंगे कि उसका यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो गया और उसका सिज़ोफ्रेनिया भी ठीक होने लगा। फिर एक कंडीशन आती है साथियों सिज़ोफ्रेनिया में कि मरीज को सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है, वो आपसे भावना व्यक्त कर रहा है कि सब कुछ उसे एक सपना लग रहा है, कुछ रियल है ही नहीं। अगर वह कंडीशन वह भावना पेशेंट में है और उसको सिज़ोफ्रेनिया है तो उस सिम्टम को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा मेडोराइनम है। आप मेडोराइनम 200 की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ऐसे मरीज को दे दें, आप देखेंगे कि उसका जो ये अनरियल वर्ल्ड का एक भावना है वो रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गई और वहाँ सोचने लगा कि वास्तव में वो इसी दुनिया में है। यही कुछ दवाएं थी साथियों सिज़ोफ्रेनिया को ठीक करने की, आपको आपके परिवार को राहत देने की उस मरीज से जिसको ये हो गया और उसको भी ठीक करने की। हम आपको बता दें साथियों फिर से यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट पोर्शन में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 94-1576-380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आपको संतोषजनक जवाब देने में बड़ी खुशी होगी। आपका साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।